और आज है न्यू ईयर, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पूरा टेंट ही बना रखा है बॉडी को। ओहो, यहाँ पे तो छत्ता भी है। अगर अच्छी नहीं बनी तो फेल। ये द कॉरिडोर। कौन सा डोन? हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का हमारी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है न्यू ईयर, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो नया साल है 2024, ये आपकी लाइफ में मतलब खूब खुशियां लेके आए। आपके जो टारगेट हैं वो आप अचीव करें, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये ब्लॉग। और अभी बज चुके हैं शाम के 4:45, तो अभी मैं जा रही हूँ अपना काम करने। यानी कि आज हम बनाने वाले हैं दाल बाटी चूरमा, तो उसी की तैयारी हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं दाल उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ। और अभी दीदी भी आई हुई है, उनके बच्चे भी आए हुए हैं, तो वो मार्केट गए हुए हैं। मैं नहीं गई मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को काम था तो वो ख़त्म किया है। तो वो लोग आएंगे, तब तक मैं दाल वगैरह बना के तैयार कर लूँगी, फिर हम बनाएंगे चूरमा और बाटी। तो चलिए उसी की हम तैयारी करते हैं। तो अभी मैंने दाल रख दी है गैस पे उबलने के लिए, अभी ये धीरे धीरे उबल जाएगी। और अभी हम लाते हैं धनिया बाड़ी से। चलिए आपको मैं बाड़ी भी दिखाती हूँ हमारी। काफ़ी दिन हो गई है। ये देखो बिल्ली। कितने मोटी है, ड्राउनी। और ये देखो हमारी बाड़ी, पूरा टेंट ही बना रखा है बाड़ी को। ये देखो, सर्दी से बचाने के लिए ऐसा बना रखा है। और यहाँ पे हम भैंस के लिए बाट वगैरह डालते हैं। तो चलिए अभी हम लाते हैं धनिया। और ये देखो अनार टूट गई है, ये तो ख़राब हो रही है। अनार लग रही है यहाँ पे, ये देखो। ये है धनिया। और ये देखो कितनी सारी मूली लग रही है, पर ये टेस्टी नहीं है। और ये है प्याज। पानी चल रहा है अभी बाड़ी में। ये देखो इतना ही पानी आता है। चलिए तो जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा करते हैं। पहले धनिया तोड़ना है। और ये देखो ये पालक है। और मौसमी लगना भी स्टार्ट हो गई है दोबारा से। चलिए वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तीन पेड़ हैं मौसमी के, लेकिन एक पेड़ के ही लग रही है अभी तो। इसके नीचे जाना पड़ेगा, इस पे नहीं लग रही है। और इस पे भी शायद नहीं, इस पे लग रही है। ये देखो, ओहो यहाँ पे तो छत्ता भी है। ये रहा मधुमक्खी का छत्ता। और ये लग रही है यहाँ पे, इसे एक पेड़ पे लगी हुई है, बाकी दो पेड़ भी नहीं लग रही है। ये मैंने तोड़ लिया धनिया। और अभी हम जा रहे हैं, दाल उबल गई होगी हमारी। और ये देखो हमारी पपीता लग रही है, बांध रखा है, नज़र ना लगा देखो ही।
चलिए आपको दिखा देती हूँ मैं। और ये देखिए इधर से कितनी सारी लग रही है। चलिए बाद में खाएंगे तो जब पक जाएंगे। तो दाल हमारी उबल चुकी है और अभी बाटियों की तैयारी हो रही है। और ये दीदी लग रही है बाटी बनाने में, ये देखो। देखते हैं कैसी बाटी बनाती है, आज टेस्ट करके देखते हैं। अगर अच्छी नहीं बनी तो फैल फैल हो जाऊंगी। तो चलो हम भी थोड़ी हेल्प करते हैं बाटी बनाने में। तो हमारी दाल बाटी बन रही है, अभी दीदी बना रही है। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के पास। क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी। छवि और अर्पित भी आए हुए हैं, पतंग उड़ा रहे थे अभी तो। और ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पतंग नहीं उड़ा रहे। पहले तो पतंग उड़ा लिए क्या है? पतंग उड़ा लिया। कितने पतंग काटे? एक भी नहीं काटा, एक भी नहीं काटा। मेरे तो खुद की पतंग फट गई। वो देखो पड़ी। दिखाती नहीं पतंग। ये फाड़ दी इसने। ये देखो इसकी पतंग, कोई काटने वाला नहीं था, खुद ने फाड़ दी। और ये है बच्चा पार्टी, छुट्टियों में बस मजे करते हैं। ये रहा कालूडोन। कौन सा डोन? ये रहा कालूडोन। सर्दी नहीं लगी तेरे को? नहीं। स्वेटर भी नहीं पहन रखी। हैप्पी न्यू ईयर बच्चा पार्टी। ओहो चलो मैं जा रही हूँ, मेरे को खाना बनाना अभी। बाय। तो दोस्तों हमारा खाना बन चुका है, चूरमा दाल बाटी। और अभी मैं खाना खाने वाली हूँ, और आज मेरा फास्ट भी था तो काफ़ी लेट हो गया है। तो चलिए खाना खाते हैं। ये हमारा राजस्थानी पकवान, ये है बाटी, और ये चूरमा, और ये दाल। तो दोस्तों हमारा खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में। अभी हम नहीं सोने वाले हैं। और मैंने आपको कहा था मैंने कवर ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये देखिए मेरा कवर फ़ोन का कैसा लग रहा है। ये मेरा न्यू ईयर गिफ्ट है। और ये देखो न्यू ईयर मनाने के लिए कौन कौन आया है यहाँ पे। ये शानू, इसको इसको मैंने केक के लिए बोला था केक लेके आना, केक नहीं लेके आई है। हमने काटा था केक। कहाँ से काट लिया? मूली का काट लिया। हाँ मूली का केक काटा है इसने। और ये देखो कितनी सहायता कर रहे हैं सबके सब मिलके। तो आपको हमारी ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा दाल बाटी चूरमा कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना।